my esteemed colleague, Sri Tichy Kasoji, Honorable MLA, Mera Atto, Honorable Mayor, Sri Panay Pasal Ji, Inke Saath, Deputy Mayor, Most Respected Director General of Police, Sri Upadhyay Ji, IG और जितने भी जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के रैंक एंड फाइल और कॉर्पोरेटर्स जो आए हुए हैं, मीडिया फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे आगे में दोनों ने सारा चीज रख दिया, ऑनरेबल एमएलए और ऑनरेबल मेयर ने, कि कहीं भी सोसाइटी में या कहीं भी शहर में आज का दिन में सुंदरता तो वही है जो उसका लोग रहने वाला डिसिप्लिन होता है। इटानगर को मैंने लेट 70s से देखा है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट काफ़ी घर बन गया, गाड़ियाँ बहुत बढ़ गया जो ऑनरेबल एमएलए ने कहा, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ने के बाकी है, थोड़ा सा हम लोग का सोच और विचार को सिर्फ थोड़ा आगे बढ़ाने का सिर्फ बाकी रहे। मैं इसीलिए ये बात रखा कि हम भी कभी 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 दूसरा शहर में जाता हूँ, दूसरा प्रदेश में जाता हूँ। रिसेंटली करीब तीन चार महीना पहले मैंने एक प्रदेश में जाके आया हूँ। पार्टी की तरफ से हमको एक ड्यूटी दिया था, तो मैं जाके आया मिजोरम में। मैं एक चीज़ देखा है कि वहाँ में मैं रास्ता में ट्रैफिक पुलिस नज़र नहीं आया, लेकिन लोग जो है छोटा सा रास्ता है, आने वाला जाने वाला जैसा जाना है आना जाना चल रहा है। वो आइजोल में ये देखा, फिर आइजोल से मैं कब करीब 4 घंटा अंदर गया, और वहाँ जितना भी देखा है लोग हॉर्न भी नहीं मारता है। तो इतना लोग जो है सेल्फ डिसिप्लिन है। और मैं एक चीज यहाँ आज क्लियरली मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक को बैन करने के लिए हम ट्रैफिक पुलिस रास्ता में खड़ा कर देता है, ये सिर्फ गाड़ियों को सही ढंग से चलने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हम लोग खड़ा नहीं करता है। ट्रैफिक पुलिस को इसलिए खड़ा करता है कि लोग अनहोनी जो इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट होगा या कुछ होगा, ये सारा चीज़ को बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को रास्ते में खड़ा कर देता है। तो एक्सीडेंट किस ढंग से होता है, कोई एक ड्राइवर गलती से गाड़ी को पार्क कर दिया जहाँ में रास्ता किसी ढंग से फ्लो होना था, तो वहाँ पार्क कर दिया, उसका कारण से पीछे कितना, क्योंकि मैं हमेशा देखा हूँ करीब 50-100 लोगों का ट्रैफिक जाम हो जाता है। वो कारण, वो 50-100 लोगों का कारण नहीं है, सिर्फ एक आदमी ने कहीं एक एंड में गलती किया, या मोटरसाइकिलिस्ट होगा या कोई गाड़ी ड्राइवर करने वाला होगा, कि वो जल्दीबाजी का चक्कर में कहीं घुस गया, ना पीछे कर सकता है ना आगे कर सकता है, उनका एक आदमी का कारण से सारा 50-100 लोग से पीछे जाम हो जाता है। तो ये सब हम लोग समझने वाला चीज है। आज मैं सुन के बहुत खुशी हुआ कि आज से 35 साल पहले एक आदमी से अरुणाचल में ट्रैफिक शुरू किया, जिनका नाम है जीएस बोरवाल, उसको बुलाया था, कहाँ गया पता नहीं। हाँ, जीएस बोरा यही है जिनका ये महीना में रिटायर होने जा रहा है, उनको एक ताली तो मारने से सोचना है। वन मैन ट्रैफिक पुलिस जो 35 साल पहले उन्होंने ट्रैफिक का जो चीज नियम क्या होता है उनका थ्रू से आज जो है चलते 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 हम लोग आज इस समय तक आया है। 1986 का बात है। मैं बोरवा जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप ट्रैफिक क्या चीज़ है अरुणाचल में आपने सबसे आगे पर लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया, समझा नहीं पाया होगा या समझाया भी होगा, ये आपका बहुत काफ़ी मेहनत किया गया है, और आपका ये अंतिम चरण आ रहा है ये सर्विस देने में, लेकिन आपका सर्विस को हम लोग भूलेगा नहीं, ये बहुत अच्छा चीज़ है।
साथ साथ में मैं अभी जो ऑनरेबल एमएलए ने एक बात रखा, ये ITW का ऊपर में, दो साल पहले जब हमको होम डिपार्टमेंट को संभालने के कहा तो होम डिपार्टमेंट के अंदर में पुलिस डिपार्टमेंट भी आता है और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में ट्रैफिक भी आता है। हमको भी बहुत परेशान हुआ ये ट्रैफिक को लेते, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट भी रोड बनाना भी चल रहा था। तो मैं अपना अंदाज से ये ITW का जो और ये जो पुल फॉर्म को मैंने सुना कि ईटानगर ट्रैफिक वार्ड है, तो अनजाने में मैंने इन लोग को मेरा घर में बुला लिया, ब्रेकफास्ट पे सबको बुलाया, जितने से 100 से ज़्यादा लोग का ये ट्रैफिक वार्डन था। और मैंने इन लोगों का दुख तकलीफ को पूछा, पूछने का मैंने कोशिश भी किया, तो लास्ट में हमको पता चला कि ये ITW जो है हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट का अंडर में आता नहीं है। ये हमको बाद में मालूम पड़ा जो उन लोगों को बातचीत करने का बाद, ये होम का अंदर में भी नहीं आता है। तो लास्ट में हमको पता चला कि ये जो है हमारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो तालुक पतम जी था, अभी हम लोग DC हो गया, उन्होंने यहाँ में एक डिसिप्लिन कैपिटल सिटी को लाने के लिए उन्होंने कुछ वॉलेंटियर्स लोग को बनाया था, तो ये जो है इंक्लूडिंग इनको ट्रैफिक में भी यूज किया गया, या कहीं एक कुछ एक तो ये आपका ये डिसमेंटल करना है या कुछ करना है तो उस में यूज करने में एक वॉलेंटियर्स बनाया गया था, इसका हिस्ट्री जो है। तो चलते 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 आज जो है वो एक ट्रैफिक वार्डन शुरुआत में नहीं था कि बाद में ITW का नाम दिया गया, लेकिन ITW देने का बावजूद भी ये अभी तक आज का दिन तक ये जो है डिप्टी कमिश्नर कैपिटल का अंदर में ही रहा, तो अभी तक हमारा होम डिपार्टमेंट में नहीं आया। लेकिन ऑनरेबल MLA ने जो यहाँ में जिक्र किया, तो मैंने ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने DC कैपिटल को आदेश दे दिया कि इन लोगों को मिलने के लिए, मिल के पता लगाओ क्या तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है अगर हम लोग सरकार कुछ कर सकता है, इंटरवेंशन कर सकता है तो रिजॉल्व करेंगे, तो उनका जो प्रॉब्लम है उसको पता लगा के इमीडिएटली सरकार को ये रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। तो ये ऑलरेडी आदेश चला गया और DC में भी वो एक्सरसाइज शुरू हो चुका है लोगों को पूछताछ करने का, बातचीत करने के लिए। तो हम लोग भी पता है एज ए इंसानियत के हिसाब से इन लोग जो मेहनत करता है दिन रात खड़ा करके ट्रैफिक को मेन करने के लिए करता है, वो हम सबको दिखाई देता है, हम लोग को भी समझता है इन लोगों का तकलीफ को। लेकिन हम लोग कभी कभी चिल्लाने से वो होने से कभी सोल्यूशन तो नहीं होता है, चर्चा करके डिस्कस करके क्रॉस टेबल में बैठ के जब सब बात होता है तो उसके हिसाब से हम लोग उसको समझौता लाएंगे। तो ये अभी और जो हम लोग का जो DC कैपिटल है तालो पतम साहब, अभी इन लोग से बातचीत चल रहा है। इसके साथ ये ईटानगर ट्रैफिक को हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द सबसे आगे IEC में हम लोग जाना है, इसलिए मैं DYSP नवीन जामो को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत किया। काफ़ी बहुत सारी चीज़ में तो हम देखा रहता है कि इवन सोशल मीडिया पर वो खुद ग्राउंड में उतर के वहाँ लोग को मेन करने की कोशिश करता है, लोग को समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि हम लोगों को समझाना पड़ेगा। एक इंसान का गलती से हजारों लोग जो है प्रॉब्लम होता है, सबसे आगे ये जानना जरूरी है। और ये थोड़ा सा हम लोग का थोड़ा ये गलतियाँ हो गया कि कैपिटल सिटी के लिए करीब 56 लोगों का ये सेंक्शन हुआ था और इम्प्रूव भी हो गया है, लेकिन उसमें से करीब 20 से ज़्यादा करीब 25 लोग जो है डिस्ट्रिक्ट में पड़ा हुआ है जिन लोगों को ट्रेन भी नहीं किया गया है। तो DGP साहब ने ये सबको खुला लिया है, मंडे से ये आने वाला मंडे से इन लोगों को PTC भेजा जाएगा और वहाँ में 15 दिन का ट्रेनिंग देगा और इन लोगों को वापस ईटानगर नाहरलगुन में डिप्लॉय किया जाएगा, ये जो 25 लोगों को ये ट्रैफिक को मेन करने के लिए। फिलहाल मैं ईटानगर के जनता को भी नाहरलगुन के जनता को भी मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि कुछ महीना और तकलीफ करना पड़ेगा, लोग अपना से सुधरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये जो अंडरग्राउंड टनल सही नहीं होगा हम लोग को सेक्टर से गुजरना पड़ता है। नाहरलगुन में भी सिंगल एक सबसे प्रॉब्लम जो है हम लोग का एक सिंगल ब्रिज है जो यहाँ नाहरलगुन पहुँचने आगे में
बारापानी में वो जो है सिंगल ब्रिज है जहाँ में वन गाड़ी क्रॉस होता है तो वहाँ बहुत तकलीफ होता है, हम लोग को पता है बहुत तकलीफ होता है। मैं तो कभी कभी नहलन जब जाता हूँ तो मैं इतना वापस आने के लिए वापस निर्जरी जाके गैमो होके यूपिया होके आता हूँ ताकि लोगों को परेशान ना हो। तो ये थोड़ा सा हम लोग को करना जरूरी है। और उसके साथ साथ इस पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ट्रैफिक को मेन करने के लिए इस पर काफ़ी सेंक्शन करके हम लोग ऑलरेडी ग्राउंड में है। जो हम लोग ये अभी हम लोग इतना ट्रैफिक के साथ में व्हीकल्स जो ट्रैफिक डीएसपी का बोलेरो भी है और हैवी रिकवरी व्हीकल्स हम लोग का साथ तीन है, कहीं माने एक्सीडेंट हो जाता है या उसको रिकवरी करने के लिए लाइट रिकवरी व्हीकल्स भी हम लोग का पास है। 6 मोटरसाइकिल्स है जो फटाफट जो कहीं में ट्रैफिक जाम हो गया या कुछ हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया तो ये सब के लिए हम लोग ऑलरेडी और प्लस हम लोग का व्हील लॉक सफिशेंट है। अभी जो बॉडी होन वाला ट्रैफिक ग्लो बटन ये बैरिकेड्स ये कुछ कुछ चीज़ जो है हम लोग अभी जो रास्ता जो बनाया कॉन्ट्रेक्टर है इन लोग से थ्रू डीसी से हम लोग रिक्वेस्ट किया गया कि सिंपल बनाने के लिए लोगों को समझना है। अभी लोगों को समझने के उसे देख के अभी क्या पहुंचने वाला है, क्या करना है, कब गाड़ी रुकना है, कब गाड़ी चलना है, कितना स्पीड में चलना है, वो सारा चीज़ जो हम लोग बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं पाता है क्योंकि कहीं कहीं जगह में रास्ता जो है लैंडस्लाइड इरोजन में गिर रहा है तो उसका कारण से हम लोग जो है कहीं डाइवर्जन क्या क्या चल रहा है। कुल मिला के इटानगर को एक सही सिटी सही शहर बनाना है तो जनता हम सबको जानना जरूरी है। कहीं एक ट्रैफिक जाम होता है वो दूसरा ये आगे वाला जो फ्रंट वाला जो पॉइंट है उनको पता है किस लिए जाम हो रहा है लेकिन पीछे वाला जो एंडिंग वाला जो पॉइंट है इन लोगों को पता नहीं, इन लोग चिल्लाते रहते हैं ट्रैफिक पुलिस कहाँ गया। ट्रैफिक पुलिस वहाँ मेहनत कर रहा है सिर्फ एक दो आदमी का कारण से उधर मेहनत कर। तो मैं इसके साथ साथ हम लोग ने करीब 400 करीब पोस्ट जो है हम लोग सरकार को हम लोग दे के रखा है डिपार्टमेंट के तरफ से। तो अभी हम लोग का थोड़ा सा ये सारा जो पोस्ट क्रिएशन सारा जो है अभी बंद पड़ा हुआ है तो जैसा वो ये खुल जाएंगे हम लोग का जो ये पान या कोई सही हो जाएगा तो हम लोग उसको भी आगे बढ़ा के हम लोग कोशिश करेंगे कि इवन जो ये जो अभी पार्किंग हो जितने भी जो चीज़ है ट्रैफिक के ये पार्किंग के लिए तो मैं भी साथ दूंगा ट्रैफिक चाहे जो कि ये पार्किंग जो है हमारा डिपार्टमेंट में नहीं आता है फिर भी हम ऑनरेबल एमएलए ऑनरेबल मयूर और जब भी उधर ऊपर में जाएंगे मैं भी साथ में जाएंगे क्योंकि पार्किंग सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग का। आज का डेट में बिना पार्किंग में ये चलेगा भी नहीं क्योंकि बहुत गाड़ी कितना तो चलता रहेगा कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। मार्केट बन गया पार्किंग को ख्याल नहीं किया। और एक चीज़ में ट्रैफिक पुलिस आप लोग को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी दुकानदार से इन लोगों आप लोग मिलिए और इन लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको सुबह 8 बजे से लेके शाम तक आपको दुकान में बैठना है, आपका गाड़ियाँ लेके मत आइए हो आपका दुकान का सामने में, आप घर में चौक के आइए। बाद में अगर ड्राइवर है तो बाद में ड्राइवर को बुला लीजिए। कहीं कहीं जगह जो दुकानदार ही सारा अपना जो दुकान का फ्रंट लाइन को ब्लॉक करके रहता है तो कस्टमर कहाँ से आए। ये छोटा छोटा चीज़ है लोगों को अगर कैंपेन करेंगे और ये भी पूछो कि दुकानदार के सामने में ये गाड़ी किसका है आप लोग कहने किसका है तो लोग को इस दर से कैंपेन चला के क्योंकि आपका दुकान अगर बिजनेस करना है तो इसको जो है हटाना पड़ेगा। तो इस तरह का हम लोग अभी IEC में हम लोग ज़्यादा घुसेंगे तो इसके साथ में DGP और जितने भी उनका तमाम जो टीम है हम लोग काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मेन पावर भी काफ़ी हम लोग क्रिएशन कर चुका है, आगे भी हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग पुलिस जितना भी क्रिएट करो मेन पावर बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो या ट्रैफिक पुलिस जितना भी क्रिएट करो ये वो लोग जो है प्रदेश को या सोसाइटी को शांति नहीं लाएंगे। शांति लाएगा तो हम सबको जानना होगा, हर सोसाइटी को हर इंडिविजुअल को जानना पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार जो ये मयूर साहब ने कहा कि मैं बार बार एक चीज़ को दोहरा हर स्पीच में अरुणाचल प्रदेश को एक ज़माना में कुछ साल पहले ज़्यादा देर भी नहीं है कुछ साल पहले एक शांति का सागर प्रदेश जाना जाता था, एक आइलैंड ऑफ पीस होकर एक प्रदेश जाना जाता था। वो ज़्यादा खराब नहीं हुआ, ज़्यादा बहक नहीं गया है, वो वापस हम लोग ला सकता है।
उसको लाने के लिए हम लोग को सबको मेहनत करना पड़ेगा। तो आज हम लोग, आज भी हम लोग दिन भर जितने भी जो 12 डिस्ट्रिक्ट हम लोग अरुणाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट जो है असम स्टेट का साथ बाउंड्री जोड़ा हुआ है, हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर करीब 2 बजे तक हम लोग ने मीटिंग किया। वहाँ में पूरा 12 डिस्ट्रिक्ट का डीसी को बुलाया, 12 डिस्ट्रिक्ट का एसपी को बुलाया, 12 डिस्ट्रिक्ट का जितना ऑनरेबल एमएलए उन लोगों को बुलाकर हम लोग चर्चा किया। चर्चा करके अभी इन लोग वापस जाएगा ताकि मैंने हम लोग हमेशा अपना जो पड़ोसी जो प्रदेश है उसका साथ एक पीसफुल एग्जिस्टेंस करने के लिए परमानेंटली एक सोल्यूशन लाने के लिए। आज का डेट में असम सरकार भी प्रोएक्टिव है कि इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, आज का डेट में भारत सरकार भी प्रोएक्टिव है और हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू भी प्रोएक्टिव है कि ये चीज़ को, ये प्रॉब्लम को हम लोग जो है आने वाले पीढ़ी को हम लोग पास ऑन नहीं करेंगे, बल्कि आज इस पीढ़ी जो है, ये जो जनरेशन जो है, हम लोग इसको वंस फॉर ऑल सोल्यूशन देने के लिए हम लोग एक निर्णय लिया है। तो इसके लिए भी हम लोग सब एकजुट होना पड़ेगा, हम लोग सब मिल के करना पड़ेगा। ये कोई सरकार को सिर्फ थमा देगा, सरकार कौन है? सरकार भी तो कोई इंडिविजुअल्स है, कोई इंसान होता है, सरकार वो कोई एक चीज़ नहीं होता है। तो हम सब मिल के ये सारा जो प्रॉब्लम को जो अरुणाचल में अभी चाहे हम लोग का रिफ्यूजी जो है चकमा हजोंग या इलीगल माइग्रेंट जो हमारा प्रदेश में, उसके लिए भी एक कमिटी बनाया गया ऑनरेबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का चेयरमैनशिप में, ये 30 तारीख को मीटिंग होगा। तो ये सारा जितना भी जो कोरोना समय से जो प्रॉब्लम्स है, ये सारा प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए अभी ये बाउंड्री इशू जो है, देखो हम लोग का 4 जो ये क्या बोलते हैं, ये ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया हम लोग का प्रदेश में। फर्स्ट जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक जाना जाता था हम लोग का प्रदेश को, उसका बाद हम लोग को जाना जाता नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को जाना जाता था, इसका बाद हम लोग जो अरुणाचल प्रदेश नाम मिलने के बाद यूनियन टेरिटरी मिला, उसका बाद फिर अरुणाचल प्रदेश का नाम का अंदर में हम लोग जो है फुल फ्लेज्ड स्टेट मिल गया। तो ये 4 चीज़ हो गया तो भी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ है, इसको हम लोग ख़त्म करना है, हम लोग सब मिल के ख़त्म करना है जितने भी सोसाइटीज़ है। और स्पेशली मैं मीडिया फ्रेंड्स से आप लोग को दरखास्त करना चाहता हूँ कि ये जितने भी जो इटानगर को एक मोस्ट पीसफुल क्लीन ग्रीन सिटी बनाना है तो आप लोग का सहयोग अब कैंपेन के दौरान बहुत सा जरूर होगा। तो हम लोग कोशिश कर रहा था कि बीच में हम लोग हमारा अरुणाचल अभियान का चल रहा था इटानगर को एक सेफ सिक्योर सिटी बनाने के लिए, एक क्लीन ग्रीन सिटी बनाने की कोशिश कर रहा था। तो कोरोना का कारण से फिर भी अभी हम देखा है हम लोग का कॉरपोरेटर्स लोग अपना अपना वर्ल्ड में, अपना अपना सेक्टर में, हर शनिवार को आप देखेंगे कहीं ना कहीं सोशल सर्विस जोरदार से हो रहा है। तो इसमें हम लोग सब शहीद होके हम लोग सब मिल के अपना सिटी है, अपना प्रदेश है, अपना सिटी को, अपना गांव को, अपना प्रदेश को एक सेफ और सिक्योर, क्लीन और ग्रीन बनाने का हम लोग सब योगदान देना है। इसके साथ मैं आई जस्ट विश टू कंग्रेचुलेट द टीम नवीन जमो और जितने भी जो हम जितने ट्रैफिक पुलिस को, तो हम लोग आई थिंक अरुणाचल में किसका चेहरा बहुत पॉपुलर है बोलने से ट्रैफिक पुलिस लोग का चेहरा बहुत पॉपुलर, क्योंकि देखते रहते हैं रास्ता में हम लोग, यहाँ भी देखा है बहुत लोग तो हम बचपन से देखते आ रहा है। तो ये लोग पुराना जान पहचान लोग है, काफ़ी लोगों तो मैं बातचीत भी करता हूँ, शायद आज तक हमारा पायलट करते हुए कभी देखा नहीं होगा, हमको तो आज तक पाइन तो लिया नहीं है। तो मैंने भी गाड़ी चलाया करता था, मैं आगे कोशिश करूँगा कि आप लोग कभी मेरा हमसे पाइन ना ले, तो इसलिए पाइन नहीं लेगा क्योंकि हम अच्छा से चलाएंगे, आपका नियम को मानेंगे, आपका नियम को मानने से आप कभी भी आप तो मानेंगे। जैसा एक गांवबुढ़ा ने कहा था कि एक पुलिस को बोलता है कि पुलिस साहब को बोलता है कि आपको तो हम दोस्ती करके भी दुश्मन करके फायदा नहीं है, दोस्ती होने से भी हम गलती करने से आप आपको पकड़ेगा ही, और दुश्मन होने से भी हम गलती नहीं करने से आप कैसा पकड़ेगा। तो इसी हिसाब से हम सही चलाएंगे तो आप लोग आपको क्यों ये फाइन लेगा। तो विथ दिस आई वंस अगेन कंग्रेचुलेट द डीजीपी, थैंक्स टू डीजीपी एंड हिज टीम फॉर हैविंग दिस वंडरफुल प्रोग्राम इंक्लूडिंग अवर जिमी चिरम। जो हम लोग का जिमी चिरम का अंदर में काफ़ी जो है यहाँ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है अभी उनका मेहनत से। तो अभी हम लोग पुलिस स्टेशन जो हम लोग नीति बिहार में है, पप्पू नोला में है, चिंपू में है, हम लोग ये कोशिश है कि 1 साल या 1.5 साल का अंदर में उसका एक परमानेंट साइट ढूंढ के, उसके लिए हम तो स्पेशली जो ऑनरेबल एमएलए, जो लोकल एमएलए है, मेयर है, आप दोनों से बहुत समय
निवेदन करता हूँ कि आपको परमानेंट जमीन ढूंढने में आप लोग साथ दे, साथ देना नहीं बल्कि आप लीड करना है, ताकि वो एक फुल प्लेजर, उसको गलत नहीं सोचना है कि ये जो पुलिस स्टेशन है ये हम लोग का ये आउटपोस्ट नहीं है, ये जो है परमानेंट पुलिस स्टेशन, ईटानगर पुलिस स्टेशन है, उस दिन से पुलिस स्टेशन है, फुल प्लेजर वाला है। तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एक डेढ़ साल का अंडर में एक परमानेंट साइट में परमानेंट बिल्डिंग के साथ में और परमानेंटली पोस्टेड होकर लोग काम करना शुरू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।